अब आपको अच्छी तरीके से बोलना, स्टाइलिश में बोलना थोड़ा, रिपीट अगेन, दोबारा से कोशिश करो. यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मोहम्मद शाह. लेट देम गिव इट राइट नाउ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. अपनी प्रसन्नता में जवाब तो देना. तो आपको कहना, देखिए आपको मैं नया बैच है, आपको मैं सिखा रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है ना. अच्छी तरीके से आपको समझना और इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से कर लेना आपको. यस, बोलिए आप ये कहेंगे गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, ठीक है ना. आपको जवाब देना गुड आफ्टरनून, बस खाली. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड. माय नेम इज मोहम्मद शाह. माय एजुकेशन. यस, माय एजुकेशन. माय एजुकेशन थर्ड स्टैंडर्ड. आई एम स्टडीइंग इन थर्ड स्टैंडर्ड. आई एम स्टडीइंग इन थर्ड स्टैंडर्ड. यस, प्लीज रिपीट अगेन. सो दोबारा से कोशिश करो. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. यस, वेरी गुड. My name is Mohammad Shah. My education, I'm studying third standard. In third standard. In third standard. इस language में pronunciation अच्छा होना चाहिए, right ना? कोई बात नहीं, आज नए हो, speaking course. Next come, who want to come next? Please. What is your name? क्या नाम है आपका? अभी देखो ये सब नए बच्चे हैं, इनको तैयार कर रहा हूँ जल्दी जल्दी. ये इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलने लगे. इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से बच्चे इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे. यस, बताइए. हाँ बोलिए, डोंट वरी. तुम्हारी झिझक निकाली, हेजिटेशन है ना आपके अंदर, उसको खत्म करो. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. थोड़ा ज़्यादा भी ना हो जाए स्टाइलिश में तो कोई बात समझ में आती है. सही तरीके से ऐसा बोलना चाहिए. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. माय नेम इज कमल खान. यस, माय स्टडी. माय एजुकेशन. माय एजुकेशन. आई एम स्टडीइंग. आई एम स्टडीइंग इन कौन सी क्लास में बोलो? थर्ड क्लास. थर्ड स्टैंडर्ड क्लास में बोलो. क्लास कहाँ हो गया? स्टैंडर्ड. थर्ड स्टैंडर्ड. थर्ड. I'm studying in third standard. Yes, studying third. कोई बात नहीं, अभी ऐसी आएगी, नए नए हो ना. Next, come next, who want to come, please come here. ये नए बच्चे, इनका एक नया बैच चालू करा है. चालू बच्चों का और बड़ों का भी मैंने चालू कर दिया है और बच्चों को स्पीकिंग कोर्स सिखा रहा हूँ मैं. ऑनलाइन भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. अनपढ़ पढ़े लिखे सब सीखेंगे. डोंट वरी यार, कोई बात नहीं. चलिए शर्माइए मत ना, ठीक है. क्या नहीं है, शर्माना नहीं है. आपकी हेजिटेशन यानी आपकी जो अंदर की वो है ना डर, उसको ख़त्म करना होगा. सही तरीके से खड़े हो जाना, सही तरीके से. अब जो है आपको बोलना है, ठीक है ना. ये सामने बैठे हुए बच्चे, अब आपको बोलना. डरो मत ना, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा क्या? हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल. ख़त्म कर देना ऐसे डर को और बोलना इंग्लिश. अंग्रेज बनना चाहते हो ना? थोड़ी बात नहीं हो जाओगी इन शाला. अब बोलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. जवाब दीजिए आप सभी. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू क्यों कह रहे हो? आप क्यों कह रहे हो भाई? आपको नहीं कहना, ये बोलेंगे ना गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आप सभी को बोलेंगे, आपको तो गुड आफ्टरनून कहना बस, ठीक है ना. दोबारा से रिपीट करिए. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड, बहुत अच्छा. पहले चाहे गलत सलत बोलो, बोलो इंग्लिश बोलनी है. चाहे आप गलत बोलो, सही तो इंशाल्लाह हम कराएंगे, ऊपर वाला कराएगा. कौन कराएगा? ऊपर वाला, मालिक अल्लाह ईश्वर कराएगा, ठीक है ना. डोंट वरी, मैं क्या हूँ, मैं भी एक जरिया हूँ, ठीक है ना. मैं भी एक जरिया हूँ. फिर दोबारा से बोलो, फिर आगे करो स्टार्ट. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. करो दोबारा बोलो अगला. गुड आफ्टरनून. अब बोलिए माय नेम इज. माय नेम इज सुफियान. माय नेम इज सुफियान. अब जल्दी बोलो. अब और तेजी से बोलो. माय नेम इज सुफियान. कुरैशी. माय नेम इज सुफियान.
बेसिक वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब तो डर नहीं लग रहा ना? हाँ देखो भी आपको इंग्लिश सीखना है, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश में है तो आपको सीखना है। ए यू वेल यू कैन कम हियर नाउ प्लीज, नॉट वेरी गो नाउ, मेरी बात समझ लो ना, धीरे धीरे समझ लो यार, नया बैच है, आप नए हो, डर रहे हो, थोड़े से क्या चीज है यार। हाँ जी बोलिए, डर तो नहीं लग रहा आपको भी? आप तो थोड़े थोड़े बोल सकते हो ना, ठीक है बोलिए। अरे मुझे जवाब तो दे दो आपने उसका, कहो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, यस। अब बोलो, माय नेम इज, माय नेम इज, अरे क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज, माय नेम इज रोमा रोमा। हाँ मैं, माय एजुकेशन, माय एजुकेशन, आई एम स्टडिंग इन, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा।